नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का ही लेकर के आई हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, आरडी ऑफ विटामिन ए आर फॉर 10 ईयर्स ओल्ड बॉयज एज पर आईसीएमआर 2010, यानी आरडी के जो विटामिन ए की आवश्यकता है 10 साल के ओल्ड बॉय की, तो कितना होता है 2010 के आईसीएमआर के अनुसार, तो है वो 600 माइक्रोग्राम पर रेटिनॉल। कितना है? 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर अकर्स इन, यानी कि इसमें से कौन सा जो चीनी का क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी इसमें किसमें होता है कि जो क्रिस्टलाइजेशन की जो क्रिया होती है शुगर में, इसमें से जो दिया गया इसमें किसमें होता है, तो हमारा जो छेना मुर्की होता है इसमें होता है क्रिस्टलाइजेशन को शुगर्स। नेक्स्ट आप पता है, फॉलोइंग फूड इज नॉट अलाउड इन अ क्लियर फूड डाइट, इसमें से कौन सा है जो क्लियर फूड डाइट नहीं है, तो हमारा वो मिल्क है जो क्लियर फूड डाइट नहीं है, जो मिल्क है ये क्लियर फूड डाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑफर द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ दियर मीनूज ऑन, यानी इसमें से कौन सा है जो शीघ्र सेवा जो रेस्टोरेंट होता है अपने मीनू की पौष्टिकता इस प्रकार बताता है, यानी जिसमें अपने मतलब की जो चीज़ें होती हैं मीनू होता है किस पे वो डिस्प्ले प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, तो वो अपना है वेबसाइट होता है और उस वेबसाइट पे जो है बताता है कि हमारे पास कितने रेस्टोरेंट की जो मीनू है और क्या उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको बताने का काम करता है, तो क्या वो वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीविंग मशीन फीड मैकेनिज्म, यानी इसमें से कौन सा है जो सिलाई मशीन के जो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है, यानी जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो सिलाई मशीन में नहीं होता है, तो है आपका ड्रॉप फीड। क्या है? ड्रॉप फीड। नेक्स्ट आते हैं, शॉल्ट इज एडेड इन डाइंग फॉल, यानी शॉल्ट को किस रंगते वक्त जो है नमक किस लिए डालते हैं, तो रंगते शॉल्ट इज जो एडेड करते हैं डाइंग में तो किसके लिए करते हैं, रंग को शून्य करने के, इसको एग्जॉशन बोलते हैं। शॉल्ट इज एडेड इन डाइंग फॉर एग्जॉशन, यानी रंग को शून्य करने के लिए जो है नमक डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आइडेंटिफाई द अमेरिकन एक्सप्रेशन फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम्ड एंड रिप्लेस्ड एट अ रैपिड रेट, यानी इसमें कह रहा है कि जो कोई चीज उपभोक्तावादी जो वस्तु होती है, तीव्र गति युक्त उपभोक्तावादी वस्तु जिसे उपभोग किया गया तथा तीव्र गति से पुनः स्थापित किया गया, उसके लिए अमेरिका की जो अभिव्यक्ति है, यानी किसके द्वारा इस जो चिन्ह दिए गए इसमें से किसके द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो है रेड गुड्स के द्वारा जो है तीव्र गति उपभोक्तावादी वस्तु को प्रस्तुत करने का कार्य करता है। कौन? अमेरिका में रेड गुड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक्स इन टाइम एंड मोशन स्टडीज आर कंसिडर्ड मूवमेंट ऑफ द बोथ द हैंड्स, यानी इसमें से कौन सा जो समय और गति के अध्ययन के लिए कौन सी तकनीक होती है जो दोनों हाथों के, यानी जो दोनों हाथों के हलचल पर विचार करता है, दोनों हाथों के अध्ययन करता है दोनों हाथों पर, तो आपका ना पा तो पाथवे ना तो प्रोसीजर बल्कि क्या आपका ऑपरेशन चार्ट है, ऑपरेशन में दोनों हाथों के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, पीपल बॉर्न इन वन पीरियड ऑफ टाइम आर इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशन, दिस इज अ कॉल्ड, यानी इसमें एक समय में पैदा हुए लोग, विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कोहर्ट इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहर्ट इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अ चाइल्ड रियरिंग स्टाइल दैट इज अ हाई इन एक्सेप्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट एम्फसाइज फ्रॉम कंट्रोल विथ रीजनिंग इज टर्न्ड, यानी एक जो है एक बच्चे को पालन करने वाली जो शैली होती है जो स्वीकृति और भागीदारी में उच्च होती है, तर्क के साथ पक्के नियंत्रण पर जोर देती है, यानी जो इसमें जो काफ़ी नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अथॉरिटेटिव स्टाइल कहते हैं, जिसमें पूरी तरीके से कंट्रोल होता है बच्चे पर इन पे, और उसमें उसी को क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव स्टाइल। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ फीडबैक इन मास कम्युनिकेशन, यानी इसमें से कौन सा है जो जनसंचार में फीडबैक के लिए नहीं उपयोग किया जाता है, तो फीडबैक के लिए क्या इसमें नहीं उपयोग किया जाता, न्यूज़ हेडलाइंस होता है जो फीडबैक के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं, यानी इसमें से कौन सा है जो फीडबैक के मास कम्युनिकेशन फीडबैक के लिए फॉलो नहीं करता है, तो हमारा क्या, न्यूज़ हेडलाइंस है।
जबकि आपका लेटर्स लाइव फोन्स एंड TRPs ये सब जो है यूज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटरेक्टिव PLA टूल टू कलेक्ट डाटा फॉर प्लानिंग एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम इज, यानी इसमें से जो होता है एक एक्सटेंशन जो कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए एक परस्पर संवेगात्मक PLA उपकरण। देखिए हमने आपको PLA बताया जो आप इसी को PRA कहते हैं, यानी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जो था आपका वही है आपका ये PLA टूल टू कलेक्ट डाटा फॉर प्लानिंग एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो इसमें आपका क्या है, इसमें सीजनल डायग्राम यानी जो सीजनल डायग्रामिंग होता है उसी के द्वारा जो होता है जो मतलब कि टूल होता है ये सीजनल डायग्राम होता है। जबकि देखिए एसोसिओमेट्री स्कैटर डायग्रामिंग सीक्वेंसिंग ये आपके PLA टूल नहीं है बल्कि सीजनल डायग्रामिंग है जिसके द्वारा मौसम संबंधी चीज़ों को एक कौन कौन से मौसम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसको प्रस्तुत करने का कार्य इस सीजनल डायग्राम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग एजेंसीज प्रोवाइड डाटा फॉर न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग इन इंडिया। देखिए इसमें से कौन सा है जो जो है कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग के लिए एजेंसी जो कार्य करती है, तो इसमें आपका मुख्य रूप से तीन है NFHS और NSSO और CVHI। देखिए अगर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी तो इसमें आपको मैं इसको डिटेल कर दूंगी NFHS क्या है, NSSO क्या है, CVHI, जबकि मैंने FSSI बता भी चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्ट्रोप्रैक्टिव मेथड्स ऑफ द डाइट असेसमेंट। देखिए क्वेश्चन भी मैं पढ़ा भी चुकी हूँ और आपका क्वेश्चन अक्सर ये आया है आपका, तो इसमें कौन सा जो होता है जो न्यूट्रिशन असेसमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका तीन है 24 डायट्री रिकॉल है, दूसरा है आपका फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर है, तीसरा है फूड बैलेंस शीट्स फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर और 24 डायट्री रिकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें आपका दूसरा सही है AC और E। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड इजेंशियल फॉर मेंटेनिंग द फॉलोइंग फंक्शंस इन द बॉडी, यानी इसमें से कौन सा जो है जो एस्कॉर्बिक एसिड के लिए नहीं कौन से इसमें कार्य होता है जिसके लिए एस्कॉर्बिक एसिड की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या है पहला कोलेजन यानी कोलेजन के निर्माण के लिए, और दूसरा है आपका एक्सेज एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, और लास्ट हमारा है एक्सेज रिड्यूसिंग एजेंट यानी ये जो होता है रिड्यूसिंग कारक का भी कार्य करता है घटाने का भी काम करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका ए, दूसरा है AD और E। क्या क्या है, कोलेजन के निर्माण के लिए, एक्स एंटीऑक्सीडेंट के लिए, एक्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे आते हैं फॉलोइंग आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी इसमें से कौन सा है जो डायग्नोस करता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए पहचान करता है, तो इसमें आपका है पहला है सीरम ट्राइग्लिसराइड मोर देन 50 यानी 150 मिलीग्राम और 100 ml ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हो जाती है, और दूसरा है आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस मोर देन जब जो कमर की जो सर्कमफेरेंस होती है वो 80 cm से ज़्यादा हो जाती है फीमेल की तो होती है, और तीसरा है आपका BMI जब 23 kg/m² हो जाता है तो होता है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका BCE, तो BCE आपका क्या है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इक्विपमेंट फाउंड इन द प्रोडक्शन एरिया, यानी उत्पादन कार्यस्थल में पाए जाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, तो इसमें है आपका ग्रेडल है, इसमें क्या क्या है ग्रेडल है, चारबॉयल है, और इसमें डेक ओवन है, और उसके बाद लास्ट में है हमारा क्लैम बेल कुकर, तो ये चारों चीज़ें हैं, तो आपका इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं सम टूल्स नीडेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आर, इसमें से कौन सा टूल होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उपयोग में लाया जाता है, तो इसमें आपका है पेरेटो चार्ट, उसके बाद है चेक शीट, फिर उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिर इसके बाद है प्रोसेस चार्ट, ये आपका तीसरा है सही। इसमें क्या क्या है पैरेटो चार्ट, उसके बाद है चेक शीट चार्ट, फिर उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, उसके बाद लास्ट में आपका है प्रोसेस चार्ट, तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट में क्लियर कर दूंगी क्या है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर स्ट्रेच फाइबर, इसमें से कौन सा है जो स्ट्रेच फाइबर है, इसमें से आपका है न्योप्रीन और स्पैंडक्स होता है, ये आपका क्या है ये स्ट्रेच है जो इसको फैला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई, देखिए स्ट्रक्चरल जैमिंग जो पकड़ है इसको मैं आपको नेक्स्ट मिनट क्लियर करूंगी, लेकिन देख लीजिए इसमें आंसर क्या है इसका। स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ क्या होती है, इसमें जो है यूजिंग चैन स्टिच का उपयोग करते हैं, और नेक्स्ट है
इसमें जो है यूजिंग थिनर थ्रेड यानी पतले थ्रेड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है आपका री इन्फोर्सिंग द सीम, यानी इसमें सीवन को पक्का करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका बी सही है, ए सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन टेक्सटाइल। तो इसमें जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी जो नई यूज की जाती है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहले ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये इसमें कलर पानी नहीं सोखता है, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन देता है, और ये मतलब इसको लॉ से बचाना पड़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी सही है, यानी बी सी डी दूसरा सही है। हाइड्रोफोबिक होता है, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन होता है, फ्लेम रिटार्डेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स इंक्लूड, यानी एर्गोनॉमिक्स का क्या लाभ होता है। तो एर्गोनॉमिक्स मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है, इसमें है सेफर जॉब, यानी एक सेफर जॉब के रूप में होता है ये। इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी हमारी जो क्षमता होती है, जो उत्पादन होता है वो बढ़ता है इससे। और उसके बाद बी है आपका फीवर इंजरी, इससे जो है कम से कम चोट लगती है। तो ये आपका जो ऑप्शन सही है आपका ए बी और डी सही है, सेफर जॉब है, इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी है, उसके बाद है फीवर इंजरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंक्रीज द एक्सरसाइज ऑफ द प्लानिंग इन मैनेजमेंट, यानी इसमें जो कार्यव्यवस्था में सुधारित भूमिका अदा करने के जो तत्व होते हैं उनकी पहचान करिए। इसमें क्या होता है, प्लानिंग मैनेजमेंट यानी एक्सरसाइज ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो प्लानिंग होती है उसका क्या हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका है इन्वॉल्व पर्सनल डिसीजन, यानी इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत जो निर्णय होता है इसमें समाहित किया जाता है, और भविष्य उन्मुख होता है। इसमें आपको चूज करना है कि इन्वॉल्व पर्सनल डिसीजन है कि इन फ्यूचर ओरिएंटेड है कि इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ गोल्स अचीव्ड सीज द एक्शन एंड वर्क एज अ होल है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है इसमें केवल बी और डी सही है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है प्लानिंग करने से। दूसरा है सीज द एक्शन वर्क एज अ होल, यानी इसमें संपूर्ण से क्रिया क्या कार्य को देखता है, यानी क्या क्रिया की है, क्या उसको क्या हुआ है, उसको पूरी तरीके से देखने का काम करता है। इसमें जो ऑप्शन सही है आपका बी और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस, यानी इसमें जो कार्यव्यवस्था में सुधार हेतु भूमिका अदा करने वाले जो तत्व होते हैं उनकी पहचान करिए। इसमें जो भूमिका अदा करने वाले की जो क्वेश्चन था इसमें है सफिशियंट लाइट, यानी जहाँ पर काम होना चाहिए वहाँ पर सफिशियंट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण होना चाहिए, और जहाँ पर आकार है वहाँ पर 150 dB से यानी डेसीबल से ज़्यादा नॉइज वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ए सी और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या चीज़ है टू परमानेंट प्रोस्पेक्टिव फॉर द डिक्लाइन ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लेट एडल्टहुड, देर वयस्कता के जो होते हैं सोशल इंटरेक्शन इन लेट एडल्टहुड में क्या चीज़ें होती हैं, सामाजिक संपर्क के दो प्रमुख दृष्टिकोण क्या हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट समझा करके इसको बताऊंगी। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है अभी वो मैं लेकर के आऊँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।